दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 17 फरवरी का दिन है और मैं आपको दर्शन कराने के लिए हरिद्वार के हर की पैड़ी में पहुंच चुका हूं। आज की वीडियो में हम आप सभी को हरिद्वार के ताज़ा दर्शन कराएंगे और वीडियो की शुरुआत तो हमने बहुत ही सुंदर दृश्यों के साथ की है। ये दृश्य सच में आपका मन जो है मोह लेंगे, क्योंकि गंगा जी की जो जल की लहरें हैं बहुत अच्छा लग रहा है इस जगह। तो थोड़ी देर यहीं के दृश्य दिखाते हैं। आप लोग इस वीडियो को कर दीजिए शेयर ताकि दूसरे लोग भी इन दृश्यों को देख सकें और उसके बाद हर की पैड़ी के जितने भी घाट हैं सभी घाटों पर ले जाकर दर्शन आपको हम कराएंगे। तो हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार की वीडियो देखना चाहते हैं, ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं, यात्रा की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसे ही दिव्य दर्शन आप लोग घर बैठे करते रहें। आइए चलते हैं दूसरे घाटों पर और वहां से आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों अभी मैं हूं नाई घाट के सामने और नाई घाट के पास एक और धारा है, छोटी धारा है। बड़ी धारा को तो आप लोगों ने वीडियो के शुरुआत में ही देख लिया है। अब छोटी धारा को दिखाएंगे, उसके बाद आप सभी को ले जाकर हम मुख्य घाट की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखिए, ये है गंगा जी की छोटी धारा नाई घाट के बिल्कुल सामने। देखिए कपड़े किस तरह लोग यहाँ पर फेंक जाते हैं, रेलिंग में कपड़े टांग जाते हैं, पुराने कपड़े यहीं पर छोड़ जाते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। पवित्र है गंगा जल, यहीं पर स्नान करने आते हैं और यहीं पर गंदगी फैलाकर जाते हैं। देखिए कितने पुराने कपड़े पड़े हैं, बस ये देखकर बहुत दुख होता है। घाट में कहीं भी देखेंगे तो आपको पुराने कपड़े, पन्नियाँ, रैपर्स यहीं नज़र आएंगे। दिल बहुत दुखता है सब। इतने दिनों से हम मैसेज आप तक पहुंचाते हैं कि ऐसा ना हो। शायद अभी जो हमारी शुरुआत है उसको हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो हम वीडियो बनाते हैं ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच पा रही हो। तो आप लोग सहयोग करें, वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग गंगा जी के घाटों पर गंदगी करके जाते हैं, पुराने कपड़े छोड़कर जाते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। और जो भी जब भी वो लोग दोबारा हरिद्वार आए तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्लीज़ शेयर कर दें इस वीडियो को, ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाना चाहिए। अब मैं आपको लेकर ब्रह्मकुंड घाट की ओर चलता हूँ और वहाँ के अच्छे दर्शन आपको कराऊँगा। मौसम के बारे में बात कर ली जाए, हरिद्वार में ठंड पहले से तो काफ़ी कम हुई है लेकिन सुबह और शाम को अभी भी ठंड जारी है। सुबह लगभग 9 बजे तक और रात जैसे ही 5-6 बजते हैं 6 बजे के बाद ठंड चालू हो जाती है, पूरी रात ठंड रहती है। और दिन में धूप निकलती है तो दिन में काफ़ी ज़्यादा राहत है। दिन में अगर ज़्यादा देर आप धूप में रहेंगे तो आपको गर्मी का एहसास भी होने लगेगा क्योंकि धूप बहुत तगड़ी निकल रही है। अब मैं आपको ये ब्रह्मकुंड घाट है यहाँ के दृश्य दिखाऊँगा और इसी घाट के सामने है ब्रह्मकुंड घाट। सभी लोग कमेंट में जय गंगे माता लिखते जाएं और लगातार ऐसे ही अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये घंटाघर घाट है और इस तरफ है ब्रह्मकुंड घाट। अभी श्रद्धालु कम नज़र आ रहे हैं तो दोपहर के समय बहुत कम लोग हो जाते हैं। 12-1 बजे के बाद घाट जो हैं काफ़ी हद तक खाली हो जाते हैं। फिर 5 बजे के बाद जो है गंगा जी की आरती देखने के लिए लोग ज़्यादा आते हैं। अभी तो कम लोग नज़र आ रहे हैं, सुबह आएंगे तो काफ़ी भीड़ आपको नज़र आएगी। दोस्तों अगर आप लोग हरिद्वार यात्रा करना चाहते हैं और रूम से रिलेटेड जानकारी चाहिए, मदद चाहिए तो आप इंस्टाग्राम में हमें मैसेज कर दीजिए और इंस्टाग्राम ID मुकेश हेल्प नाम से है, वहाँ पर हम आपको प्रॉपर जानकारी दे देंगे। अब मैं आपको ब्रह्मकुंड घाट अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखिए, जूम करके देखिए, कुछ ही लोग नज़र आ रहे हैं। दिव्य दर्शन करें, माँ गंगे के दर्शन इस समय आप लोग कर रहे हैं। दर्शन करें और दूसरों को भी दर्शन कराएं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, हरिद्वार में जो सबसे पीक सीज़न होता है
वो होता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ख़ास तौर पर अप्रैल, मई, जून के महीने में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, रूम मिलने में भी काफ़ी परेशानी होती है। तो आप लोग अगर इन महीनों में यात्रा करना चाहते हैं तो आप रहने के लिए रूम बुक करके आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका पहले से पूरा जो शेड्यूल है वो प्रॉपर ढंग से आप बना कर आएँ। अब मैं मालवी घाट पर आ चुका हूँ। ये मालवी घाट है, यहाँ के दर्शन करेंगे। और मालवी घाट और महिला घाट के मध्य में जो गंगा जी की धारा है वहाँ के भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे। अक्सर हम यहाँ की जब वीडियो बनाते हैं तो वो दृश्य दिखाते हैं, तो आज भी दिखाएंगे। ये देखिए सामने महिला घाट है और दोनों घाटों के बीच में मध्य जो धारा है वहाँ के दृश्य देखिए आप लोग। देखिए दर्शन करें, आज की वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको, मुझे पूरा विश्वास है। और अच्छी लग रही है तो फिर किस बात का इंतजार है, आप लोग शेयर भी करते जाएं, प्लीज़ जल्दी जल्दी शेयर करते जाएं। और यहाँ के दृश्य भी मैं अक्सर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। देखिए दर्शन करें सभी लोग इस समय। कमेंट बॉक्स सभी के लिए खुला है, आप लोग कमेंट करें, जय गंगे माता लिखें, हर हर महादेव, जय गंगे माता लिखें। दोस्तों अगर आप लोगों ने मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग लगातार दर्शन करते हैं, मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल में आप लोगों को जानकारी दी जाती है हरिद्वार, ऋषिकेश, चार धाम यात्रा, उत्तराखंड यात्रा की सभी जो ज़रूरी जानकारी है हम उसी चैनल में देते हैं। और वो हमारा मेन चैनल है मुकेश हेल्प, जिसमें आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली हर एक वीडियो को देखकर सभी जानकारी उत्तराखंड की जो भी यात्रा की हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आ चुका हूं संजय पुल में और यहां पर खड़े होकर आप लोगों को पूरी हर की पैड़ी के जो व्यू हैं वो दिखाएंगे। इस व्यू में हर की पैड़ी के सभी घाट जो हैं नज़र आएंगे। देखिए एक ही स्क्रीन में सभी घाट जो हैं हर की पैड़ी के नज़र आ रहे हैं। दोस्तों अब हम आज 17 फरवरी की वीडियो को समाप्त करते हैं। ऐसे ही लगातार दर्शन हम आपको कराते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम में जाकर मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम।